हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, आज का ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है वेस्कुलर सिस्टम्स इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि बहुत बार रिपीटेडली सीएसआईआर के एग्जामिनेशन में पूछा गया है और ये अभी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। तो इस कंसेप्ट को हम डील करेंगे और इस कंसेप्ट पे बेस्ड जो इसी साल क्वेश्चन आया गया है आपका जून के एग्जामिनेशन में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वेस्कुलर सिस्टम इन डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स। ठीक है, तो हम डील करने वाले हैं डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के अंदर कौन से वेस्कुलर सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, किन्हीं में प्रेजेंट होते हैं और किन्हीं में एब्सेंट भी होते हैं। सो हम प्लांट ग्रुप की बात करें तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, जो कि आर एच विटेकर ने दिया था, उन्होंने एक किंगडम डेडिकेट किया था, कंप्लीट किंगडम टू द प्लांटी। उस किंगडम का नाम था किंगडम प्लांटी। तो इस किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने जो ग्रुप्स इंक्लूड किए थे वो थे स्टूडेंट्स एल्गी, ब्रायोफाइटा, then pteridophyta, then there was gymnosperm and angiosperms। ये different plant groups थे जो कि consider किए गए थे in the kingdom Plantae under the R.H. Whittaker's five kingdom classification। so ये सारे plant groups है। अगर primitive से हम advanced की तरफ जाए तो एल्गी सबसे ज्यादा प्रिमिटिव रहती है, एल्गी के बाद आता है ब्रायोफाइटा, फिर आता है टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स में आते हैं बच्चों डाइकॉट, एंड देन एंजियोस्पर्म्स में आते हैं मोनोकॉट। तो ये है हमारी फाइलोजेनी। इवोल्यूशनरी बेसिस पे हम देखें प्रिमिटिव, द मोस्ट प्रिमिटिव आर एल्गी, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट्स, और उनसे सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप जो आज प्रेजेंट है वो है मोनोकॉट्स का। So, इन प्लांट ग्रुप्स के अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। उनमें से एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब हुआ कि ऐसा टिश्यू सिस्टम जिस टिश्यू सिस्टम के थ्रू वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू H2O और फूड, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है फूड, इनका ट्रांसपोर्ट जिन टिश्यू सिस्टम से किया जाता है उनको अपने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम डेवलप होंगे तो वो एकदम प्रिमिटिव ग्रुप में तो होंगे नहीं, वो धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हुए थे। हम बात करें अगर एल्गी की, स्टूडेंट्स जो कि सबसे मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है, तो इनकी बॉडी थैलॉइड नेचर की होती है। थैलॉइड मीन्स मास ऑफ सेल, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल को अपने थैलॉइड बोलते हैं। यहां पर प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। इट मींस देयर इज नो डिवीजन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स तक नहीं बन रही है, टिश्यू सिस्टम अभी डेवलप होना शुरू नहीं हुआ है, मास ऑफ सेल से बने हुए। तो इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम या फिर वेस्कुलर हम कहें तो टिश्यू सिस्टम एबसेंट होता है। तो एल्गी आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, इनके अंदर किसी भी प्रकार का वेस्कुलर सिस्टम नहीं डेवलप होता। सेकेंड ग्रुप की तरफ आए हम तो नेक्स्ट ग्रुप है आपका ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के अंदर भी जो हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो वहां पर है हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटॉप्सिडा तो प्रॉपर थैलॉइड नेचर के ही है, जस्ट लाइक एल्गी, उनके अंदर मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से बनते हैं ये, रूट, स्टेम, लीव्स के अंदर बॉडी डिवाइडेड नहीं होती। लेकिन जो मस्काई है, ठीक है, या फिर हम कहें तो मॉसेज है, या फिर हम कहें उनको ब्रायोप्सिडा है, इन ब्रायोप्सिडा के अंदर एक एक्सिस जरूर बनती है, इरेक्ट एक्सिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जरूर बनती है, पर वेस्कुलर सिस्टम यहां पर भी नहीं डेवलप होता। तो इन ब्रायोफाइटा ऑल्सो वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। सो ना ही एल्गी में वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, ना ब्रायोफाइटा में हुआ। ये मेनली
एल्गी तो एक्वेटिक ही होती है, पानी के अंदर ही रहती है, थैलॉइड नेचर की होती है, तो वेस्कुलर सिस्टम की नीड नहीं है और इतनी एडवांस भी नहीं है। ब्रायोफाइटा एम्फीबियस होता है नेचर में, टेरेस्ट्रियल मिलते हैं पर वाटर चाहिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, पर ये शेडी प्लेसेस में ग्रो करता है, ये एकदम ह्यूमिड और मॉइस्चर वाले सरफेस पे ऊपर ग्रो करता है। इनको प्लांट को ज्यादा ऊपर तक हाइट तक पहुंचाना नहीं है वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्ट, तो इनमें भी डेवलप नहीं हुए थे वेस्कुलर सिस्टम। सो द फर्स्ट प्लांट्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, जो फर्स्ट प्लांट थे जिनमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ था वो थे बच्चों टेरिडोफाइट्स, वो थे टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स भी बोलते हैं हम इसको, टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं फर्स्ट वेस्कुलर, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। तो इनमें डेवलप हुए थे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम द फर्स्ट टाइम। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम दो चीजों का बना होता है, एक होता है जाइलम जो कि वाटर को कंडक्ट करता है, दूसरा होता है फ्लोएम जो कि फूड को कंडक्ट करता है। जाइलम भी दो पार्ट से बना है, एक ट्रेकीड्स का और एक वेसल से। फ्लोएम बनता है सीव सेल्स, सीव ट्यूब एंड ऑल्सो कंपेनियन सेल से। सो टेरिडोफाइट्स के अंदर ट्रेकीड्स तो प्रेजेंट होते हैं पर वेसल्स एबसेंट है, सीव सेल्स प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल्स इनमें एबसेंट है। सो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम कंप्राइजेज ऑफ ट्रेकीड्स नॉट वेसल्स, एंड फ्लोएम कंप्राइजेज ऑफ सीव सेल्स नॉट कंपेनियन सेल्स। तो इनमें डेवलप होना शुरू तो हो गया, टेरिडोफाइट्स स्टार्टेड टू डेवलप द वेस्कुलर सिस्टम, बट स्टिल दे कुडंट डेवलप द एडवांस्ड वेस्कुलर सिस्टम, द एडवांस्ड वेस्कुलर सेल्स विच आर वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स। सो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यस इट स्टार्टेड डेवलप्ड इन टेरिडोफाइटा, लेकिन टेरिडोफाइट्स में ये बनने स्टार्ट हो गए थे पर वेसल्स एब्सेंट थे इनके अंदर और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट थे। सो टेरिडोफाइटा आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। देन इनके बाद में आते हैं बच्चों जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। सो इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स सेम केस है जैसा कि टेरिडोफाइट्स का, वेस्कुलर सिस्टम डेवलप अपना अब होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब टेरिडोफाइटा के आगे जितने भी ग्रुप्स आएंगे जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स सभी में वेस्कुलर सिस्टम तो डेवलप हो चुका है। आपको ध्यान रखना है ब्रायो टेरिडो में नहीं होता, सॉरी एल्गी ब्रायो में नहीं होता, टेरिडो जिम्नो और एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर सिस्टम होता है। इन वेस्कुलर सिस्टम की अब क्या खास बात है कि इन वेस्कुलर सिस्टम्स के अंदर अब ट्रेकीड्स और वेसल का केस हमें देखना है कि कंप्लीटली वेस्कुलर सिस्टम किन ग्रुप्स में प्रेजेंट है। वेस्कुलर सिस्टम बना होता है बच्चों जाइलम और फ्लोएम का, जाइलम के अंदर है ट्रेकीड्स, वेसल्स, और इनके अलावा इनके अंदर जाइलम पैरेन्काइमा जो कि पैरेन्काइमेटस रहता है और जो कि ओनली लिविंग सेल है यहां पे, बाकी सब डेड होते हैं, एंड जाइलम फाइबर्स, ये स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है और ये डेड होता है, सपोर्ट करने का काम करता है। फ्लोएम के अंदर सीव सेल्स या स्लीव वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स, एंड देयर इज दिस कंपेनियन सेल्स, ठीक है। इनके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स भी प्रेजेंट होता है। तो ट्रकीड्स हम बात करें टेरिडो जिम्नो एंजियोस्पर्म्स को हम दो ग्रुप्स में और डिवाइड करते हैं, एक है डाइकॉट और दूसरे है मोनोकॉट। तो टेरिडोफाइटा के अंदर ट्रेकीड्स प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म में, है डाइकॉट में, है मोनोकॉट में, सब में ट्रेकीड्स प्रेजेंट है। यहीं से बनना स्टार्ट हुए थे वेस्कुलर सिस्टम, तो जब ये टेरिडोफाइटा में बन गए तो बाकी सारे ग्रुप्स में तो बनेंगे। टेरिडोफाइट्स में सी सेल बन गए थे, तो सीव सेल जिम्नो में है, डाइकॉट में, मोनोकॉट में, सबके अंदर सीव सेल्स प्रेजेंट है। मोस्ट एडवांस ग्रुप है हमारे पास में वो है एंजियोस्पर्म्स, जिनमें कंप्लीट वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इनके अंदर हम बात करें वेसल्स की, तो वेसल्स भी प्रेजेंट है डाइकॉट एंड मोनोकॉट में, और कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट है। डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर
ऐसी कोई भी सेल नहीं है वेस्कुलर सिस्टम की जो ना प्रेजेंट हो, सब में प्रेजेंट होती है. ऑल डाइकॉट्स ऑल मोनोकॉट्स कंप्राइजेज ऑफ ऑल दी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम सेल्स. बस मोनोकॉट के अंदर एक चीज ध्यान रखना, आप इससे कंफ्यूज होकर के कंपेनियन सेल्स भी मत मान लेना कि कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट हो, सॉरी नॉट कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स तो प्रेजेंट है, कैम्बियल सेल्स का आप प्रेजेंस मत बता दीजिएगा मोनोकॉट में, क्योंकि मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है, और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इनका वेस्कुलर बंडल क्लोज होता है. लेकिन जिम्नो और टेरिडोफाइट्स, टेरिडो में स्टार्ट हुए बनना वेस्कुलर सिस्टम, अब ये इतने टॉल नहीं है कि इनको वेसल्स की जरूरत पड़े, वेसल्स इनमें एबसेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स भी इनमें एबसेंट होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स में कुछ ग्रुप को हम एक्सेप्शन ले ले, जैसे नीटेल्स को जिसमें एफिड्रा आता है, उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होगी, बाकी किसी में भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी एंड कंपेनियन सेल्स एबसेंट होंगे. तो ये केस रहता है हमारा किन में वेस्कुलर सिस्टम कौन से सेल्स के साथ में प्रेजेंट है और किन में एबसेंट है. ये वेस्कुलर सिस्टम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द जाइलम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्लोएम आपके करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें भी ट्रांसपोर्ट का फॉर्म होता है सुक्रोज होता है, स्टोर फॉर्म होता है स्टार्च, स्टार्च से सुक्रोज बनाया जाता है, उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो ये है स्टूडेंट्स हमारे वेस्कुलर सिस्टम, और ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देन हम देखें अब नॉन वेस्कुलर कौन कौन हुए स्टूडेंट्स. नॉन वेस्कुलर की बात करें तो मॉसेस, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉसेस मींस यहां पर बात हो रही है ब्रायोफाइटा, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मॉसेस, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा एंड मस्काई, और वी कैन से ब्रायोप्सिडा. तो ना ही एल्गी में और ना ही ब्रायोफाइटा में, दोनों ही क्या है नॉन वेस्कुलर है. फिर आया वेस्कुलर, जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, इनमें आते हैं बच्चों एक तो नॉन सीड, जिनमें सीड्स डेवलप नहीं होते, क्रिप्टोगेम्स, इनमें आते हैं बच्चों फर्न्स आर टेरिडोफाइट, फेदर लाइक लीव्स होती है इनकी, इसलिए इनको फर्न्स बोलते हैं. ये है फर्न, ये देखो ये फेदर लाइक लीव्स है, इसलिए इनको फर्न्स बोलते हैं. ठीक है, इनमें सबसे पहली बार वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, तो इनके जाइलम में ट्रेकीड है और इनके फ्लोएम के अंदर सीव सेल्स है. देन दोज प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम है और साथ में सीड डेवलप हो रहा है, तो आप देख सकते हो फ्लावरिंग प्लांट मींस एंजियोस्पर्म्स, देन कॉनिफर्स मींस दीज आर द प्लांट्स जिनके अंदर कोन्स डेवलप होते हैं, मेल कोन, फीमेल कोन, स्पोरोफिल, ठीक है, स्पोरोफिल्स डेवलप होते हैं, पर इनके अंदर सीड्स डेवलप नहीं होते, लेकिन इनमें वेस्कुलर सिस्टम जरूर डेवलप्ड है. अब वो डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम है जस्ट लाइक टेरिडोफाइटा, जाइलम में ट्रेकीड्स है, वेसल्स नहीं है, फ्लोएम के अंदर सीव सेल्स है, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है, एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शंस लाइक नीटेल्स ऑर्डर. इस टेबल को याद रखना है आपको, ठीक है. तो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं स्टूडेंट्स हमारे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए. जाइलम वन वे फ्लो करता है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स का फ्लो करवाता है ये प्लांट्स में, मेन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है. देन फ्लोएम है, इसका बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, रूट्स टू लीव्स हो सकता है, लीव्स टू रूट्स होता है, फ्रूट टू रूट्स हो सकता है, डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है, दोनों तरफ डायरेक्शन में कर सकता है ये. ये ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड का, ठीक है. जाइलम एंड फ्लोएम दो है हमारे पास में वेस्कुलर सिस्टम. चलो अब इस साल के क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो कि CSIR 2023 के अंदर ही पूछा गया, जून में, ठीक है, जून के एग्जाम में पूछा गया. क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट आर नोन टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू बाय मींस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम. तो यहां पे प्रेजेंस के साथ साथ में आपको यह भी पूछा गया है कि सेकेंडरी ग्रोथ किन में होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ की जगह सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर सिस्टम, सेकेंडरी ग्रोथ से वेस्कुलर सिस्टम किसका डेवलप होता है. तो देखो हमने अभी तक बात की वेस्कुलर सिस्टम की, अब बच्चों एक और चीज देखो सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में. सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ होती है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यू. सेकेंडरी टिश्यू डेवलप होगा तभी बनेगी सेकेंडरी ग्रोथ. इट इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यू
और सेकेंडरी टिश्यू का डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों? सेकेंडरी टिश्यू है कौन सा पहले तो ये चीज समझे, ये है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का बनना। इन दोनों का डेवलपमेंट होता है ड्यू टू कैम्बियल एक्टिविटी, वेस्कुलर कैम्बियम। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम कहां कहां प्रेजेंट है? हम प्लांट्स का एनाटॉमिकल सेक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरीके की वेस्कुलर कैम्बियम बनती है। एक वेस्कुलर कैम्बियम है जो बंडल के अंदर बनती है, इसको बोलते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, और एक बाद में डेवलप होती है ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन। ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन एक और कैम्बियम लेक बननी शुरू होती है और इस कैम्बियम को बोलते हैं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। सो ये कैम्बियल एक्टिविटी जिन जिन ग्रुप्स में, जो ग्रुप्स है जिनमें प्रेजेंट है, बस उन्हीं के अंदर ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ करेगी। इस तरीके से कैम्बियम रिंग बन जाती है पूरी, और ये कैम्बियम रिंग बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है, ठीक है। तो ये होती है बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ। इसके थ्रू क्या है कि प्लांट है, जो बड़े प्लांट होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें प्लांट को वाटर का ट्रांसपोर्ट टॉप ऑफ द लीफ करना है और वो बहुत लंबा प्लांट है, तो उस वजह से इनको सेकेंडरी टिश्यूज की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि बच्चों टेरिडोफाइट्स जो हैं, ये इतनी हाइट तक नहीं जाते, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ है बच्चों वो रहती है एब्सेंट, ठीक है। फिर हम जिम्नों की बात करें तो जिम्नों में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, क्योंकि दीज आर द टॉलेस्ट ट्रीज, कॉनिफर्स होता है, बहुत टॉल होता है। देन एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट, इनकी थिकनेस भी बॉडी की थिकनेस ज्यादा होती है, टॉल ट्रीज होते हैं, ट्रीज आपने जितने भी देखे हैं वो सारे डाइकॉट्स हैं, तो इनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्रेजेंट है। फिर आते हैं बच्चों द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप मोनोकॉट पे। अब ये एडवांस तो है बच्चों, लेकिन ये इतने टॉल नहीं होते, मोस्टली एनुअल होता है, मेन स्टेम जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, हर्बेशियस स्टेम होता है, तो वो रहते हैं बच्चों हमारे पास में मोनोकॉट्स। और मोनोकॉट्स के अंदर किसी भी तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। इनमें ये वेस्कुलर बंडल है, ये सभी वेस्कुलर बंडल ओपन नहीं होते, वेस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं, इनमें कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, वेस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं इनके अंदर। ऑल्सो जो वेस्कुलर बंडल्स है वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ओके। चलो आते हैं वापिस से फिर से अपने क्वेश्चन पे। Select the group of plants that are known to increase the amount of vascular tissue by means of secondary growth from vascular cambium. Vascular cambium की help से कौन सा plant group है जो कि secondary growth करता है? तो gymnosperms करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन only का option यहाँ से इसके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ gymnosperm नहीं करते, angiosperms भी करते हैं, और angiosperms के अंदर dicots करेंगे, monocots नहीं करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स में करेंगे, डाइकॉट्स करेंगे, बट नो, मोनोकॉट्स नहीं करेंगे। सिर्फ डाइकॉट नहीं कर सकते, डाइकॉट के साथ साथ जिम्नोस्पर्म्स भी करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है आपका, जिसमें डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, ये स्टूडेंट्स सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। देर आर सेवरल अदर ग्रुप्स, सेवरल अदर प्लांट्स ऑल्सो, जो कि टेरिडोफाइट होने के बावजूद सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए कि व्हाट आर दी एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइटा, ऐसे कौन से टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली किन टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, प्लीज कमेंट में करके, कमेंट में आंसर करके बताइए। और आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है शॉर्ट कंसेप्ट थ्रू दी दिस क्लासेस थ्रू दी PYQs, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। PYQ सीरीज के थ्रू ही हम करेंगे,
क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ में उनके कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो आपकी कोई डिमांड्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ साथ में टेरिडोफाइट्स का उसका नाम बताइए जिस जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। सो ये था बच्चों आप आज का कॉन्सेप्ट, डेली ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपकी सीएसआर की प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।